सबसे पहले आज के इस नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज की इस वीडियो में आपको YT स्टूडियो की पूरी जानकारी इस वीडियो में देने वाला हूँ। यदि आप एक वीडियो क्रिएटर्स हैं या फिर YouTube पर वीडियो बनाते हैं तो इस वीडियो को आप पूरा देखिए। जैसे ही हम YT स्टूडियो को ओपन करेंगे, इसके बाद हमारे लिए सबसे ऊपर यहाँ पर चैनल का जो नाम होता है यहाँ पर आपको दिखाई देगा। इसके नीचे आपको आपके जितने भी सब्सक्राइबर्स होंगे यहाँ पर दिखाई देते हैं। साइड में लेफ्ट साइड में यहाँ पर आपके चैनल का आपको प्रोफाइल फ़ोटो दिखाई देगा, यानी कि आपका जो DP है यहाँ पर आपको दिखाई देगा। इसके नीचे आपको पूरे वीडियो को मिलाकर, ऑल वीडियो को यहाँ पर मिलाकर, जो भी आपके 28 दिन के अंदर वॉच टाइम, सब्सक्राइबर, सब कुछ यहाँ पर आपको दिखाई देता है। तीन चीज़ें यहाँ पर आपको दिखाई देती हैं, व्यूज, वॉच टाइम, सब्सक्राइबर्स, तो आप यहाँ से देख सकते हैं। इसके नीचे यदि आप जाएंगे तो यहाँ पर आपको लास्ट 3 वीडियो जो आपने अपलोड किए हैं यहाँ पर वह आपको दिखाई देंगे। यहाँ पर आप देखिए आपको करना क्या है, यहाँ पर आपको एनालिटिक्स पर क्लिक कर देना है इस तरह से। जैसे ही आप क्लिक करेंगे आपको इस वीडियो को ध्यान से देखना है, क्योंकि इस वीडियो में मैंने बहुत ही अच्छे तरीके से आपको बताया है। और आपको इस वीडियो को देखने के बाद YouTube पर किसी दूसरी वीडियो को देखने की ज़रूरत नहीं होगी। इस तरह से ये ओपन हो जाएगा। यहाँ पर ओवरव्यू का एक ऑप्शन है, इस पर अभी हम हैं तो देखिए सबसे फर्स्ट नंबर का जो ऑप्शन है व्यूज, जितने भी लोग हमारे वीडियोज़ को देखते हैं वह यहाँ पर टोटल काउंट हो जाते हैं। देखिए यहाँ पर व्यूज़ हैं तो यहाँ पर 19,700 लोगों ने हमारे वीडियोज़ को देखा है। देखिए यदि हम अंदर हर एक वीडियो को देखना चाहते हैं तो हम इस पर ही हमें क्लिक कर देना है। इस तरह से हमें क्लिक करना है। यहाँ पर लास्ट 28 डेज़ का यहाँ पर दिखाई दे रहा है तो देखिए हमें इस पर क्लिक करना है। और हम जितने भी दिनों का देखना चाहते हैं, मैंने अभी यह चैनल को न्यू क्रिएट किया है तो देखिए मैं लास्ट 28 दिन का तो अभी यहाँ पर सिलेक्ट है, तो मैं यहाँ पर आपको लास्ट 365 डेज़ का यहाँ पर सिलेक्ट करके बता देता हूँ। देखिए यहाँ पर 28,856 व्यूज़ यहाँ पर टोटल हो चुके हैं, तो आपको व्यूज़ तो समझ में आ गया होगा। इसके साइड में राइट साइड में यहाँ पर वॉच टाइम दिखाई देता है। यहाँ पर देखिए लास्ट 28 डेज का जो वॉच टाइम है 63 घंटे 4 मिनट यहाँ पर हो चुका है। इस पर हम क्लिक करेंगे तो हम अंदर जाकर भी इसी तरह से 28 दिन का है तो यहाँ पर हम 365 डेज का भी यहाँ से चेक हम कर सकते हैं। चलिए बैक चलते हैं। इसके बाद देखिए एक ऑप्शन हमें और मिल जाता है सब्सक्राइबर्स, तो यहाँ पर हमारे सब्सक्राइबर्स दिखाई देते हैं तो आप यहाँ से सब्सक्राइबर्स चेक कर सकते हैं। चलिए अब यहाँ से आपको थोड़े नीचे जाना है, जो भी आपके टॉप वीडियोस होंगे वो यहाँ पर शो होंगे। जैसे कि इस वीडियो को मैंने देखिए देखा तो देखिए ऊपर की ओर है, तो ये मेरा टॉप वीडियो है, इस पर हमारे सबसे ज़्यादा व्यूज़ आए हैं। तो देखिए वह नीचे चलते हैं, देखिए यहाँ पर रियल टाइम व्यूज़ जो होते हैं यहाँ पर 48 घंटे जो होते हैं, लास्ट 48 घंटे के आपको यहाँ पर दिखाई देते हैं कि आपके 48 घंटे में कितने व्यूज़ आए हैं। जैसे कि यहाँ पर पूरे वीडियो को मिलाकर जितने भी व्यूज़ आए हैं वह 647 आए हैं। अब हमें एक एक वीडियो को कैसे चेक कर लेना है देखिए मैं आपको बता देता हूँ। आपको यहाँ पर क्लिक कर देना है, जैसे ही आप यहाँ पर क्लिक करेंगे देखिए हर एक वीडियो पर कितने व्यूज़ आए हैं आपको यहाँ पर दिखाई देंगे। और यहाँ पर देखिए लास्ट 48 हर्स, यहाँ पर लास्ट 48 घंटे में जितने ही व्यूज आए हैं यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। लास्ट 60 मिनट के भी हम यहाँ से देख सकते हैं, देखिए यहाँ पर लास्ट 60 मिनट में यहाँ पर इतने व्यूज़ आए हैं। तो चलिए यहाँ से हम बैक चलते हैं। अब आपको एक यहाँ पर ऑप्शन है रीच का, तो हमें रीच पर चले जाना है। यहाँ पर सबसे फर्स्ट नंबर का जो ऑप्शन है इम्प्रेशन, देखिए इम्प्रेशन वो होता है जैसे हम कोई वीडियो को अपलोड करते हैं तो YouTube जितने भी लोगों तक हमारे वीडियो को पहुंचाता है, यानी कि नोटिफिकेशन भेजता है, वो हमारे सब्सक्राइबर्स होते हैं, जितने लोगों तक होम पेज तक वह पहुंचाता है YouTube के, तो उसे हम इम्प्रेशन कहते हैं। जैसे कि मेरे वीडियोस हर एक वीडियो मतलब कि पूरे वीडियो को मिलाकर यहाँ पर 12,300 लोगों तक मेरा इम्प्रेशन 28 दिन के अंदर, लास्ट 28 दिन के अंदर ही YouTube ने भेजा है, तो हम इसे इम्प्रेशन कहेंगे। राइट साइड में यदि हम यहाँ पर देखें इम्प्रेशन क्लिक थ्रू रेट, यहाँ पर 5.5% लोगों ने उस वीडियो पर क्लिक किया है। जैसे कि YouTube ने 100 लोगों को मेरा वीडियो भेजा है तो उसमें से यदि 50 लोग हमारी वीडियो को देखते हैं, क्लिक करते हैं, तो उस वीडियो का परसेंटेज 50% होगा। यहाँ पर एक ऑप्शन हमें और मिल जाता है व्यूज़,
देखिए यहाँ पर जो हमारे व्यूज़ हैं यहाँ पर दिखाई देते हैं। यहाँ पर आपको देखिए जो भी ज़्यादा ज़रूरी है मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर आपको टॉप यूट्यूब सर्च टर्म्स अपने यहाँ पर क्लिक करना है और आपको देखिए YouTube खुद आपको बताएगा कि यहाँ पर आपको किस टॉपिक पर वीडियो बनाना है। देखिए यहाँ पर हमें टॉपिक दिए गए हैं कि इन लोगों ने इस टॉपिक को सर्च किया है और हमारे वीडियो तभी सर्च में आए हैं। देखिए यहाँ पर TikTok, कॉमेडी, गाना, इस तरह से हम इस टॉपिक पर यहाँ पर वीडियोस बना सकते हैं। यही आपको ज़्यादा ज़रूरी होता है तो इस तरह से मैंने आपको बता दिया, तो यहाँ से आपको सब कुछ चेक कर लेना है। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साइड में जो नोटिफिकेशन बेल है उस पर दबाकर और सेलेक्ट कीजिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।